मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 साल से आगरा में एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ, एज ए लेजर सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जो पाइल्स पेशेंट हैं उनको मैंने बहुत करीब से देखा है। हजारों मरीजों को, सैकड़ों मरीजों का मैंने इलाज किया है। तो मुझसे अक्सर ये मरीज़ पूछते हैं, या उनके दिल की जो भावना होती है वो मैंने महसूस की है, कि पाइल्स होने पर उन्हें किसे दिखाना चाहिए। आज भारतवर्ष में 10 लाख पाइल्स के मरीज हर साल नए आते हैं। कम से कम 50 से 80% पॉपुलेशन इस समय पाइल्स से सफ़र कर रही है। इतनी कॉमन डिसीज़ होने के बावजूद भी पब्लिक को ये नहीं पता है कि हमको किसको दिखाना चाहिए। आज इसी से संबंधित सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने उन सभी फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको कि शायद इसकी ज़रूरत हो। पाइल्स आज भी एक टैबू सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात करने से सभी लोग बहुत शर्माते हैं, और इसी शर्माहट में वो ये नहीं किसी से पूछ पाते कि हमको पाइल्स हो गया है तो हमें किसे दिखाना चाहिए। इसका सबसे साधारण उत्तर जो मैं आपको दूंगा कि गुदा रोग विशेषज्ञ के पास आपको जाना चाहिए। वो आपकी समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है और सॉल्व कर सकता है। वो मेडिकल का भी काम करता है, और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी भी करता है, और ज़रूरत पड़ती है तो लेजर भी कर सकता है और अन्य स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स भी कर सकता है। गुदा रोग विशेषज्ञ अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हो तो फिर दूसरे नंबर पर आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ढूंढिए। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चूँकि पेट के भी डॉक्टर्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस वो पेट के करते हैं, तो गुदा रोगों पर उनका ध्यान थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर कोई चॉइस नहीं हो, अगर आपको गुदा रोग विशेषज्ञ नहीं मिल रहा हो, तो फिर आपको उनके पास जाना चाहिए। अगर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल नहीं हो तो आपको जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि जनरल सर्जन मेडिसिन का भी काम देख लेते हैं पाइल्स के रिलेटेड, और सर्जरी का भी काम कर सकते हैं। अगर जनरल सर्जन भी अवेलेबल ना हो तो फिर आप मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पर जाइए, जो लोग एंडोस्कोपी भी करते हैं। आपको वो पाइल्स की दवा दे सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आपको उचित सर्जन के पास या उचित गुदा रोग विशेषज्ञ के पास रेफर कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो आप एक फिजिशियन को दिखा सकते हैं, जनरल फिजिशियन को, एमडी डॉक्टर। और अगर फिजिशियन भी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं हो, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और उनसे आगे का हाल जान सकते हैं कि आपको किसको दिखाएं। लेकिन पाइल्स होने पर घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, तुरंत एक उचित डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करें। थैंक यू।